रोहित शेट्टी की मूवी सर्कस जो जो क्रिसमस के मौके पे रिलीज हुई है, उसने अपने स्टार्टिंग के 3 दिनों में कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया है, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, रोहित शेट्टी की जो मूवी है सर्कस, रोहित शेट्टी जैसा डायरेक्टर, क्रिसमस और 31st जैसा वेकेशन, रणवीर सिंह जैसा स्टार और कितने बड़े बड़े स्टार थे सर्कस मूवी में, ये सब मिला के भी इस मूवी को नहीं बचा पाए दोस्तों। इसके स्टार्टिंग के जो 3 दिन के कलेक्शन आए हैं ना, 20 करोड़ 85 लाख रुपए का आया है। इसने अपने स्टार्टिंग के 3 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन 20 करोड़ 85 लाख रुपए का किया है सर्कस मूवी ने। तो ये जो कलेक्शन आया सर्कस मूवी के लिए काफी डिसअपॉइंट करने वाला है। ये कलेक्शन इनके मेकर्स को भी काफी नाराज करने वाला और निराशाजनक कलेक्शन आया बॉक्स ऑफिस पे। तो इससे ये साबित होता है दोस्तों कि सर्कस मूवी बिल्कुल ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही है और ऑडियंस इस मूवी को देखना चाहती ही नहीं है। कोविड के बाद ऑडियंस काफी समझदार हो चुकी है दोस्तों। ऑडियंस पहले फिल्मों का रिव्यू देखती है, क्या रिपोर्ट आ रही है फिल्मों की, तभी जाके उसके बाद सिनेमा हॉल में जाके ऑडियंस कोई भी मूवी देखती है। कोविड के पहले कैसा था कि कोई भी डायरेक्टर अगर फेमस रोहित शेट्टी जैसा डायरेक्टर हो, रणवीर सिंह जैसा स्टार हो, तो ऑडियंस पहले कुछ तो ऑडियंस कोई रिव्यू भी नहीं देखती थी, पहले जाके फिल्म देखती थी। अगर फिल्म पसंद नहीं आई तो उसके बाद जाके फिल्म कोई फ्लॉप होती थी। लेकिन ओपनिंग तो कोविड से पहले सभी मूवी को अच्छी मिलती थी, लेकिन कोविड के बाद अब ऑडियंस काफी समझदार बन चुकी है। तो जो भी मूवी पहले सिनेमा हॉल में रिलीज होती है तो पहले उसके रिव्यूज देखते हैं, फिल्म की रिपोर्ट क्या है, फिल्म अच्छी लग रही है क्या नहीं लोगों को, ये सब जानने के बाद ऑडियंस अपने घरों से निकलती है सिनेमा हॉल जाने के लिए। लेकिन जो सर्कस मूवी का रिव्यू है, इतना निगेटिव रिव्यू है, किसी भी ऑडियंस को ये मूवी पसंद नहीं आ रही है। तो ऑडियंस ने इस मूवी को नहीं देखना ही बेहतर समझा और सर्कस मूवी बॉक्स ऑफिस में बिगेस्ट फ्लॉप होने वाली है दोस्तों, ये बात तो अब तय हो चुकी है। 2022 में जितने दो दो के आंकड़े है ना, ये कुछ फिल्मों के लिए लकी साबित हुए तो कुछ बॉलीवुड फिल्मों के लिए अनलकी भी साबित हुए। KGF 2 आई, KGF 2 तो बॉक्स ऑफिस पे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई, लेकिन उसके बाद रिलीज हुई फिल्म जर्सी उस पे डिजास्टर साबित हुई। वैसे ही भूल भुलैया 2 आई, भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट हुई, लेकिन उसके बाद रिलीज हुई फिल्म में बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हुई। वैसे दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पे आई, दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर हो गई, लेकिन दृश्यम 2 मूवी के बाद रिलीज हुई फिल्म भेड़िया बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। वैसे ही अवतार 2 आई, अवतार 2 भी इंडिया में बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, लेकिन अवतार 2 के बाद रिलीज हुई फिल्म सर्कस बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो 2 नंबर का आंकड़ा है, तो हॉलीवुड फिल्म के लिए भी लकी साबित हुआ, साउथ की फिल्म के लिए भी लकी साबित हुआ, बॉलीवुड की फिल्म के लिए भी लकी साबित हुआ। लेकिन तो जितनी भी फिल्में 2 नंबर का आंकड़ा लेके रिलीज हुई, वो फिल्में तो ब्लॉकबस्टर हुई है, लेकिन उसके बाद जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है तो वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पे वो सारी ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो चुकी है दोस्तों। तो यही हाल सर्कस का भी हुआ, अवतार 2 के बाद रिलीज हुई। अवतार 2 का इतना क्रेज और बस बन चुका था कि ऑडियंस ने सर्कस देखने से अच्छा अवतार 2 ही देखना पसंद किया, और तो अवतार 2 अभी भी इंडिया में धमाकेदार कलेक्शन कर रही है। तो रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस से ऑडियंस तो काफी नाराज हो चुकी है, ऑडियंस को कुछ मजा नहीं आया। क्रिसमस जैसा वेकेशन भी ऑडियंस का खराब कर दिया रोहित शेट्टी ने। लेकिन रोहित शेट्टी जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा सोच के 2023 में आप सिंघम 3 या गोलमाल 5 से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री मारी है। ऑडियंस अभी भी आपकी फिल्मों का काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जैन वंदे मातरम।